वाहन की चपेट में आने से घायल प्रत्याशी के भतीजे की मौत के बाद हंगामा, परिजनों ने लगाया चुनावी रंजिश में हत्या का आरोप। आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के कुड़ही गांव में चुनावी रंजिश के चलते प्रधान प्रत्याशी का भतीजा मंगलवार शाम 4 बजे वाहन से कुचलकर घायल हो गया, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि निवर्तमान प्रधान व उसके भतीजे सहित आधा दर्जन आरोपियों ने गांव स्थित बंधे पर शाम को मौजूद प्रिंस यादव उर्फ बिट्टू उम्र 20 वर्ष पुत्र राजेंद्र यादव की हत्या की नीयत से चार पहिया वाहन से कुचल दिया। घायल अवस्था में परिजन उसे लेकर थाने पर पहुंचे तथा सूचना देने के बाद जिला अस्पताल चले गए, जिसकी इलाज के दौरान रात लगभग 12 बजे के करीब मौत हो गई। परिजन शव लेकर रात में ही गांव चले आए तथा पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने व आरोपियों से मिली भगत का आरोप लगाते हुए शव को एक विद्यालय में रखकर आरोपियों की गिरफ्तारी तथा थानाध्यक्ष व दीवान की बर्खास्तगी तक शव का पोस्टमार्टम व अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पुलिस पर निष्क्रियता का आरोप लगाते हुए दरोगा व दीवान की बर्खास्तगी की मांग करने लगे। घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस सहित कई थानों की फोर्स व क्षेत्राधिकारी सगड़ी राजेश कुमार तिवारी मौके पर पहुंचकर परिजनों व भीड़ को समझाने का प्रयास करते रहे, जबकि परिजन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के आने व न्याय दिलाने की मांग पर अड़े रहे। वहीं इस संबंध में सच्चाई जानने के लिए जब मीडिया आरोपियों के घर गई तो आरोपी घर छोड़कर फरार थे। इस संबंध में कोतवाल गजानन चौबे से मोबाइल पर बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। राजेश कुमार यादव गुड्डू, क्या हुआ है कल? कल ये संजय और अनिल यार लोग मिल के जो है धमकी दिए कल। और किसको धमकी दिए? बड़े भाई राजेश श्याम को और इसको भी प्रिंस यादव को भी। और उसके बाद जाके गांव पे राजेश श्याम को धमकी दिए कि मार देंगे गोली, और अनिल को भी दिए थे कल। क्यों धमकी दिए? प्रधानी रंजीश को लेके कि प्रधानी हार जाएंगे तो मार देंगे गोली। और परिवार पे सुबह ही इसको आके घर पे फोन पे ही धमकी दे दिया था वो कि आज तुमको मारेंगे, मैं तुम्हारी बहन बेटी जाती है वो करेंगे। और उसके बाद बंदे पे पैदल दो बच्चे आ रहे थे, प्रिंस और एक लड़का और था, इसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए। कब की घटना है? गाड़ी कल 4 बजे की घटना है, कल शाम 4 बजे की घटना है। इसके ऊपर गाड़ी चढ़ाए और ये 3-4 लोग भी थे, मतलब प्लानिंग के तहत इसको मारा गया है कि इसको मार दिया जाए, और गाड़ी को बैक करके 3-4 राउंड चढ़ाया गया है। अच्छा। ये 2-3 लोग डंडे के साथ भी थे, असलहे के साथ भी थे। क्या असलहे और डंडे से भी कोई वार हुआ है? डंडे से वार नहीं हुआ, सिर्फ गाड़ी चढ़ा के। हाँ, गाड़ी चढ़ा दी है। गाड़ी से। हाँ, फिर क्या हुआ? इसके बाद हम लोग जो है थाने पे ले गए इनको, थाने पे ले गए, वहाँ सूचना दिए, कोई मौके पे था नहीं। सूचना दे के हम लोग अस्पताल गए, जिला अस्पताल पे प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। 4-5 घंटे हम लोग थे डिस्ट्रिक्ट। जिला प्रशासन ने एडमिट नहीं किया या नहीं? प्रशासन ने एडमिट किया हमको, हम सब कुछ किया, लेकिन पुलिस प्रशासन के थ्रू। अच्छा। इनके थ्रू जाना चाहिए था वहाँ पे, तभी वहाँ मेडिकल करते बनाते हैं, लेकिन वो इंतजार करते रह गए, लेकिन हमको नहीं मिला। बच्चे को करीब हम लोगों ने रखा 11:30 बजे, जब सीरियस मैटर हुआ तो हम लोग सोचे कि इसको ले चला जाए कहीं, लेकिन ले जा रिफर डॉक्टर बनाए, हम लोग बाहर ले जाए तब तक एक्सपायर हो गया बच्चा। अच्छा जी। अच्छा, आपका क्या इस वक्त मांग है, क्या आप चाहते हैं? हमारी मांग है कि ये जितने लोग हैं इनको गिरफ्तार किया जाए जल्द से जल्द। कितने लोग हैं? 6-7 लोग हैं। नाम बताएं। अनिल यादव, अमन यादव, जगत यादव, रवि यादव, अमरनाथ, संजय, यही ऐसे करके हैं लोग। अच्छा, ये लोग आरोपी हैं आपके जी? तो हाँ, उसके बाद आप क्या डिमांड कर रहे हैं? हमारा ये डिमांड है कि यहाँ थाना प्रभारी और ये रमेश दीवान को यहाँ से हटाया जाए, तभी हमको न्याय मिलेगी। और कप्तान साहब यहाँ आए मौके पे, तभी हम अपनी मिट्टी को यहाँ से ले जाएंगे। नहीं, इन लोगों के ऊपर क्यों आप ऐसा कह रहे हैं कि नहीं? क्योंकि इन लोगों की मिली भगत आज तक प्रशासन ने नहीं किया। गवाह यही है, बहराम सहनी जी हैं, ये पूरी जानकारी आपको देंगे, इनके साथ घटना घटी है। आप क्या हैं, आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजेंद्र प्रसाद यादव, उनके पिता है, मित्र के पिता है।